ब्रॉयलर चूंकि जैसे मैंने बताया कि गोश्त वाली मुर्गी है और इसको हम व्हाइट मीट बोलते हैं। व्हाइट मीट से ये मुराद है कि इसके अंदर मायोग्लोबिन एक केमिकल है वो ज़रा कम होता है और इसके अंदर प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर इसके अगर जनरली हम बोलें तो इसके अंदर प्रोटीन दो तरह की है, जो इसकी थाइस में होती हैं वो तकरीबन 18% होती हैं, जो इसके सीने वाला गोश्त है जिसको हम ब्रेस्ट मीट बोलते हैं उसके अंदर 21% होती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि हमारी तो लड़ाई जो है वो पट वाली रोटी के ऊपर होती है, उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन कम है, जो सीने वाला है गोश्त उसके ऊपर प्रोटीन ज़्यादा होती है, उसके अंदर 21% होती है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो है वो फैट का लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू रेड मीट। तो वाइट मीट आपको पता जब भी बात होती है मछली का जिक्र आता है या ब्रॉयलर का जिक्र आता है तो उस लिहाज से बड़ा ये ज़ूद हज़म भी है, जल्दी हज़म हो जाता है और दूसरा ये कि जल्दी पक भी जाता है। तो जिस तरह गोश्त की अहमियत है, जिस तरह एनिमल प्रोटीन की अहमियत है और सबसे बड़ी बात कि सस्ती प्रोटीन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो मैं तो ये कहूँगा अगर ब्रॉयलर यहाँ पर ना हो हमारे मुल्क के अंदर तो मटन हमारा 3,000-4,000 रुपये किलो हो जाता है। इसने बहुत ज़्यादा सस्टेन किया हुआ इस बात को। तो ये इसके बारे में इस किस्म की बातें करना, ये मैं समझता हूँ कि कौम को एक सेहतमंद गोश्त खाने से महरूम कर देने के मुतरद में, तो इसको बिल्कुल नहीं समझे, कोई इसमें कमी नहीं है, हर लिहाज से ये जूद अजम है और क्वालिटी के लिहाज से, प्रोटीन के लिहाज से, फैट के लिहाज से, जो जो इसके अंदर एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर मौजूद है और मैं बिला खौफ व खतर इसको जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, ये भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्ट पाया जाता है कि देसी मुर्ग के अंदर ताकत ज़्यादा है या वलायती के अंदर, उसको लोग आम हालात में फूका गोश्त भी कह देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो देसी मुर्गी का अंडा जो है वो साइज़ में छोटा होता है, उसके अंडे का वजन 40 से 45 ग्राम होगा जबकि वलायती के अंडे का वजन 55 से 60 ग्राम ऑन एवरेज होता है। तो इसके चूँकि अंडे के अंदर तकरीबन जो है वो 6 ग्राम प्रोटीन होती है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक जब अंडा आपको 60 ग्राम का मिलेगा उसमें से आपको कितनी प्रोटीन मिलेगी और एक अंडा जो 45 या 40 ग्राम का होगा उसके अंदर से कितनी आपको प्रोटीन मिलेगी। लोगों के ना हमारा थोड़ा सा चटखोरे हैं हम लोग, तो हमें जो देसी है ना उसके पास थोड़ा सा ना ऐश जिसे हम कहते हैं नमकिया हम कहते हैं उसके अंडे में थोड़ा सा गोश्त डाला जाता है, तो लोगों का जायका ज़रा थोड़ा सा नमकीन लोग उसको पसंद करते हैं। फिर दूसरा उसको यूँ वो समझते हैं कि इसके वो जर्दी का कलर जो है बड़ा ब्राइट और बड़ा येलो होता है, वो ब्राइट और येलो इस वजह से होता है कि वो ग्रीन वेजिटेबल फूड बाइट से खाती है, उसके अंदर ज़ैंथोफिल मौजूद होता है, ज़ैंथोफिल की वजह से उसके कलर आते हैं। अदरवाइज न्यूट्रिशनली देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द देसी और ये वलायती, बल्कि वलायती जो है वो आप देखें वो एक साल में कहीं तैयार होगी, 6 से 7 माह के बाद अंडे देगी और फिर वो साल में 70 अंडे देती है मैक्सिमम, वलायती जो है वो साल में 300+ अंडे देती है। तो ये उसका फ़र्क है, अदरवाइज गोश्त में और अंडे में किसी लिहाज से भी कोई फ़र्क नहीं है, हम इसे कहेंगे सिर्फ वो एक लाइकिंग की बात है, अदरवाइज उसमें भी कैलोरीज 75 होती हैं, उसमें भी कैलोरीज 75 होती हैं, उसका साइज छोटा होने की वजह से वो उसको माइनस करता है। तो इसकी वजह से मतलब कोई आप बिला खौफ व खतर हम ये कह सकते हैं कि इसके गोश्त में ही है उसमें, और महंगी होने की उसकी ये वजह होती है कि वो देर से तैयार होती है, ज़्यादा जितने अर्से में उसने तैयार होना उतनी देर में वो मुर्गी जो है वो 6 से 7 अंडे दे चुकी है, 1 हफ्ते में वो देती है, 5 से 6 हफ्ते अंडे देती है, इसमें जो है 2 अंडे देने के बाद फिर को 10 दिन का वक्फा लेना, तो इस तरह ये साल में 70 अंडे देती है, वो 340 अंडे देती है। तो ये वजह क्योंकि अवेलेबिलिटी डिमांड ज़्यादा है, ऊपर से सप्लाई जो है गोश्त की फॉर्म में और अंडे की फॉर्म में वो चूँकि टाइम देती है, जिसकी वजह से लोगों के जहन में कि शायद वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह से ऐसी बात है। और उसके साथ मेरा ये वाला पैगाम भी के दरख्त ज़रूर लगाएं मगर फलदार, ताकि वो लोग जो फल ख़रीदने की सकत नहीं रखते ये वाले फल उनको आसानी से दस्तयाब हों।